गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज हम ड्राइंग में आपको क्या बनाना सिखाएंगे? हट बनाना चाहेंगे। हमारा टॉपिक क्या है आज बच्चों? हट है हमारा टॉपिक। आपको हट किस में बनानी है? कलर में बनानी है। मैं ऊपर ना लिख देती हूँ जिससे आपको याद है। आपको हट किस में बनानी है बच्चों? कलर में आपको उसमें हट बनानी है। चलिए तो हट बनाना सीखते हैं बच्चों। सबसे पहले आपको चारों तरफ से मार्जिन ड्रॉ कर लेनी है अपनी कॉपी के पेज पर, ड्राइंग शीट के पेज पर। उसके बाद आप एक क्या बनाएंगे, एक आप स्क्वायर बनाएंगे। इस तरीके से आपको एक स्क्वायर बनाना है। उसके बाद आप स्केल से लाइन ड्रॉ करेंगे, इस पर ट्राइंगल बनाएंगे आप इस तरीके से। ठीक है बच्चों, आपको ऐसे करके ट्राइंगल बनाना है हट के ऊपर का बेस। आप उसके बाद इसी को ही थोड़ा मोटा करेंगे, थोड़ी चौड़ी सी लाइन खींचेंगे उसके ऊपर, जिससे ये हट की छत बन सके इस तरीके से। उसके बाद आपको साइड से इसे कवर कर देना है ऐसे सेमी सर्कल बना करके इस तरीके से। उसके बाद आपको जो ये अंदर की लाइन है आपको इसे रफ कर देना है। ठीक है बच्चों, ये मैंने आपको स्क्वायर इसलिए बनवाया है पहले, जिससे कि आप पहले इजीली इसे बना सकें। रफ जब आप इसे कर देंगे, रफ करने के बाद आपको कुछ ऐसा सा हट की शेप आपको दिखाई देगी। उसके बाद आपको ऊपर एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है बिल्कुल इसी की सिधाई में इस तरीके से। आप ये क्या बना रहे हैं बच्चों? चिमनी बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं आप? ये आपकी चिमनी बन रही है। फिर उसके बाद आप इस पे इस तरीके से थोड़ा सा और मोटा करके इसी की सिधाई में एक लाइन और खींचेंगे। इस तरीके से आपकी क्या बनेगी? चिमनी बन जाएगी। थोड़ा आप उसके अंदर ब्रिक्स वाले आप इसको इफेक्ट देंगे से होती है ना, ईंटें होती है, ईंटें इस तरीके से तो होती है बच्चों, तो आपको इस तरीके से बीच बीच में लाइन खींच देनी है इस तरीके से। उसके बाद जंगले होते हैं ना बने हुए हट में, तो आपको ऊपर क्या करना है, इस तरीके से राउंड सर्कल बनाना है और इसे भी क्या कर देना है, इसकी भी एक आउटलाइन कर देनी है इस तरीके से। इस तरीके से, ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा हो कैसे कैसे बनाना है। उसके बाद आप एक स्ट्रेट लाइन लेंगे और क्या बनाएंगे बच्चों? उसका गेट बनाएंगे। आप पहले से स्केल से इस तरीके से लाइन खींचेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना है ऊपर इस तरीके से। फिर आपको इसमें एक बीच में लाइन खींचनी है स्ट्रेट बिल्कुल ऐसे, और ये आपको क्या बन गई, आपका गेट बन गया। ऊपर आप इसे एक बार इसकी और अच्छे से आउटलाइन कर देंगे, जिससे ये और भी ज़्यादा सुंदर लगे, और हाफ ऊपर सेमी सर्कल बना देंगे इस तरीके से। फिर आपको यहाँ साइड में खिड़की बनानी है, छोटी सी, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाएंगे, स्मॉल साइज़ की। आपको पहले एक स्क्वायर लेना है, स्क्वायर से आपको ऐसे करके खिड़की बना, उसमें आपको बीच में दो लाइन खींच देनी है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल भी टेढ़ी नहीं बनाएंगे, बिल्कुल आपको सीधी लाइन खींचनी है। इसे जैसे मैं आपको खींच के दिखा रही हूँ, सेम ऐसे ही आपको लाइन इसके अंदर बनानी है। उसके बाद बच्चों आप एक सर्कल लेंगे, कोई भी आप घर में ले सकते हैं, किसी की भी चूड़ी ढक्कन होता है बॉटल का, आप उससे बना सकते हैं। आप यहाँ ऊपर बिल्कुल इस तरीके से एक सर्कल बनाएंगे। सर्कल बनाने के बाद बच्चों आपको उसमें क्या करना है, आपको इसके अंदर लाइंस ड्रॉ करनी है सीधे, सूरज में जैसे होती है ना। आपको पहले एक बड़ी, एक छोटी, फिर एक बड़ी, फिर एक छोटी, फिर एक बड़ी, फिर छोटी, बड़ी, छोटी, इस तरीके से आपको लाइंस ड्रॉ करनी है बच्चों। आप सभी को पता है सूरज कैसे बनता है, क्लास में बनाते भी हैं आप। आपको इस तरीके से लाइंस ड्रॉ करनी है इसके अंदर। उसके बाद बच्चों आपको एक ट्री बनाना है, ट्री आपको बिल्कुल इसी के साइड में बनाना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक साइड में इस तरीके से पहले थोड़ा सा कर्व वाले आप लाइन खींचेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरीके से ट्री बनाएंगे। ठीक है बच्चों, आपको इस तरीके से क्या करना है, ट्री बनाना है। ट्री बनाने के बाद आप देखते हैं जब आप किसी भी ग्राउंड में जाते हैं तो किसी पार्क में, तो ट्री का क्या होता है, छोटी घासें भी होती है नीचे, तो आपको इस तरीके से घास बनानी है। आप ऐसे इस तरीके से बस घास बना देंगे और हट के बराबर में थोड़ी बड़ी बड़ी घास बनाएंगे, और हट के बिल्कुल नीचे आपको प्लेन रखना है, कुछ भी नहीं बनाना है आपको हट के नीचे। आप इसे ऐसे करके बिल्कुल प्लेन बनाएंगे, क्योंकि हट कहाँ है, घासों के ऊपर है इसलिए।
ऐसे करके लाइन ड्रॉ कर देंगे और ये आपकी हट तैयार हो चुकी है। ऊपर आप चाहें तो बादल बना सकते हैं, क्लाउड बनाना है आपको छोटा सा एक, इस तरीके से जैसे आपने ट्री बनाया है ऐसे आप एक क्लाउड भी बना सकते हैं। जैसी हट मैं आपको बनवा रही हूँ बच्चों, सेम ऐसे ही हट आपको अपनी कॉपी में बनानी है। आप बाद में पूछते हैं कि मैम कैसी हट बनानी है, अलग बना सकते हैं क्या, तो आपको अलग हट नहीं बनानी है, आपको बिल्कुल सेम जैसे मैंने आपको बनाकर दिखाई है बच्चों, इसी तरीके से आपको ड्राइंग इसमें बनानी है। कलर्स मैं बच्चों आपको बता देती हूँ कलर्स कैसे करने हैं। कलर्स देखिए बच्चों, देखिए आप सभी को पता है जो ट्री होता है हमारा, ट्री किस कलर का होता है बच्चों? ग्रीन कलर का होता है। तो कहाँ पर कौन सा कलर करना है बच्चों? ग्रीन कलर करना है आपको। आप बिल्कुल सफाई से करेंगे कलर, इस तरीके से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना है कलर आपका। और आपको उसमें कौन से कलर करने हैं बच्चों? पेंसिल कलर करने हैं। कौन से करने हैं? पेंसिल कलर। मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके दिखा रही हूँ जिससे कि आपको पता रहे कौन सा कलर किसमें करना है। आपको इसमें पेंसिल कलर करने हैं और इसमें आपको कौन सा कलर करना है? ग्रीन कलर करना है। डार्क ग्रीन या लाइट ग्रीन आप कोई सा भी कर सकते हैं। सेम आपको ऐसे ही ग्रास में, ग्रास में कौन सा कलर करना है? ग्रीन कलर करना है। ग्रीन कलर की ग्रास होती है ना बच्चों, आप डार्क ग्रीन कर सकते हैं या फिर लाइट ग्रीन, कोई सा भी आप इसमें अंदर कलर यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको बादलों में कौन सा कलर करना है बच्चों? ब्लू कलर करना है। कौन सा करना है? ब्लू कलर करना है, इस तरीके से, ठीक है बच्चों। उसके बाद आपको सन में करना है येलो कलर। बिल्कुल भी कलर आप बाहर नहीं निकालेंगे, बहुत सफाई से आपको कलर करना है। हट में देखिए बच्चों, हट में आप यहाँ करेंगे पहले पर्पल कलर, इस वाले उसमें जो हट के ऊपर हमने छत बनाई है उसमें कौन सा कलर करेंगे? पर्पल कलर करेंगे। उसके बाद हट के अंदर जो हट का कलर है वॉल्स का, आपको क्या रखना है? आप ऑरेंज भी रख सकते हैं, रेड भी रख सकते हैं, कौन सा कलर आपको करना है वो करना है। मैं आपको ऑरेंज करके दिखा रही हूँ, आप ऑरेंज भी कर सकते हैं और रेड भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आपको ऐसे इस तरीके से पूरे में ये करना है। और जो उसकी आउटलाइंस हमने बनाई, जो हमने मोटा मोटा करा, आपको उसमें कौन सा कलर करना है? पर्पल कलर करना है, इस तरीके से। आपको ये गेट के ऊपर जो है इसमें भी आपको पर्पल कलर करना है। हट में भी, हट में जो आपकी ये बनी हुई है खिड़की, आपको इसमें भी पर्पल कलर करना है। और पूरे में आपको कौन सा कलर करना है बच्चों? ऑरेंज कलर करना है। और पूरे में क्या करना है आपको? ऑरेंज कलर करना है, इस तरीके से। और आपको गेट में करना है रेड कलर। मैं आपको अलग करके दिखा रही हूँ, लेकिन आपको पूरे में करना है, पूरे पोर्शन में अच्छे से कलर करना है, बहुत सफाई से, ठीक है बच्चों, इस तरीके से। बहुत सुंदर सुंदर कलर भरना है आपको, पेंसिल कलर, कोई और सा कलर आप यूज़ नहीं करेंगे, कोई भी वाटर कलर यूज़ नहीं करेगा, क्रियॉन्स यूज़ नहीं करेगा, सिर्फ आपको उसके अंदर पेंसिल कलर ही यूज़ करने हैं, इस तरीके से। चिमनी बच्चों आपको यहाँ ऊपर तो करना है रेड कलर, ठीक है, और आपको यहाँ पे करना है इन ब्लॉक्स में जो आपने हट में कलर करोगे सेम वही कलर आपको करना है। मैंने ऑरेंज किया है तो मैं यहाँ पे ऑरेंज कर रही हूँ, अगर आप में कोई और सा कलर फिल करेंगे तो आप यहाँ पे भी वही सेम रंग यूज़ करेंगे, जो आप हट में यूज़ कर रहे हैं वही आपको इन ब्लॉक्स में यूज़ करना है। आई होप बच्चों आपको ये अच्छे समझ में आ गई होगा। और उसके बाद आपको इस पर जो आउटलाइन करनी है, आउटलाइन आपको करनी है ब्लैक स्केच की, और जिस कलर को, जो मैंने कलर बताया है जिस तरीके से फिल करना है, आपको उसी तरीके से अपने कलर्स को फिल करना है। और सेम यही कलर आपको रखने हैं, साइड में आप मार्जिन ड्रॉ करेंगे और सेम यही हट आपको बनानी है, कोई और सी हट आपको नहीं बनानी है, ठीक है बच्चों। थैंक यू।